नमस्कार। शायद जल्द ही हम उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जब हम ऐसा कह सकें कि कोरोना इस देश से खत्म होने वाला है। जी हाँ, सुनने में ही कितना अच्छा लग रहा है, मुझे बोलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है, आपको सुनते हुए बहुत अच्छा लग रहा होगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो इस देश में शुरू हो चुकी है। कोविन ऐप के जरिए आप खुद को कैसे रजिस्टर करा सकते हैं वैक्सीनेशन के लिए, ये जरूर जान लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जानकारी आप तक पहुंचनी जरूरी है और इसलिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। एक एक करके आपको बताऊंगा कि किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, किस प्रोसेस के साथ आपको आगे बढ़ना है, ये सारी की सारी चीजें आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी आपको ये बातें मिलेंगी, लेकिन इसको लेकर के कितनी क्लैरिटी है उसे जरूर देखना पड़ेगा। तो ऐसे में आप यहां पर जरूर जान लीजिए कि किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी और प्रोसेस क्या होने वाला है, क्योंकि कोविन ऐप को लेकर के पहले फर्जी खबरें ये भी आई कि कोविड की जो वैक्सीन है उससे पहले ही कोविन ऐप जो है प्ले स्टोर पर आ गई है। इसको लेकर के गूगल ने कुछ कार्रवाइयां की भी थी और iOS ने भी इसको लेकर के कार्रवाइयां की थी, जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आपको COVID-19 के वैक्सीन को लगवाना है तो उसके लिए टीकाकरण के लिए आपको उचित फोटो आईडी का प्रयोग करना पड़ेगा। कोविन ऐप में सबसे पहले आपको खुद को रजिस्टर कराना पड़ेगा, ये iOS के यूजर्स के लिए भी और एंड्रॉयड के लिए भी है। तो वहां पर जाकर आपको जो है इसमें आप कुछ भी दे सकते हैं, आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, पैन कार्ड हो गया, मनरेगा का जॉब कार्ड अगर आपके पास है, पासपोर्ट, वही सारे डॉक्यूमेंट्स जो निश्चित तौर पर हमारे पास हर जगह के काम के लिए यूज होते हैं, 6-7 जो बड़े बड़े डॉक्यूमेंट्स रह रहे हैं हमारे पास। इसके अलावा अगर आप पेंशन का दस्तावेज दिखाकर करवाना चाहते हैं वो भी हो जाएगा, बैंक डाकघर की कोई फोटो है उससे भी हो जाएगा, सांसद विधायक MLC द्वारा दी गई कोई आधिकारिक पहचान पत्र है तो उससे भी हो जाएगा, NPR के तहत जारी किया गया स्मार्ट कार्ड है वो भी, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड है, सेवा पहचान पत्र है, ये सारी की सारी चीजें आप एज एन फोटो आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। अब कोविन में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद सबसे पहले लाभार्थी को उनके, क्योंकि रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपको उस पर डालना पड़ेगा, ये बात याद रखिए, तो इसलिए SMS आएगा, पंजीकरण की पुष्टि की जाएगी, इसके बाद आपके पास दूसरा SMS भेजा जाएगा जिसमें टीकाकरण की बाकायदा तिथि मेंशनड होगी, डेट मेंशनड होगी कि इस तारीख को आपको इस जगह पर आना होगा। तो आपके पास का ही इलाका होगा, ऐसा नहीं है कि आप रह रहे हैं पटना में और आपको दिल्ली बुला लिया जाएगा टीकाकरण के लिए, ऐसा नहीं होने वाला है। जहां पर आप रह रहे हैं उसी के आसपास का कोई सेंटर जहां तक दवाइयां पहुंच चुकी हैं, जिस स्टेज को लेकर के बात हो रही है उसके तहत ही आपको एक लोकेशन दी जाएगी और टाइम बताया जाएगा पर्टिकुलर। उसके बाद तीसरे SMS में आपको वैक्सीन के दूसरे डोज की तिथि बताई जाएगी, क्योंकि दो डोज है, यह हमेशा याद रखिए, 28वें दिन आपको दूसरी डोज लगनी है। बाकायदा डेट आएगी कोविन ऐप पर और उसके थ्रू ही आपको टेक्स्ट मैसेज के थ्रू भी ये वेरीफाई करवाया जाएगा। और इसके बाद दोनों डोज के पास आपके पास SMS आएगा, ये मैसेज आपको कोरोना वैक्सीनेशन के डिजिटल सर्टिफिकेट के लिंक के साथ आएगा। भैया ऐसे करके आप जो सर्टिफिकेट है उसे दिखा सकते हैं कि ये देखिए मुझे कोरोना की दो वैक्सीन लग चुकी हैं, आपका नाम बाकायदा उस पर लिखा होगा और इसके साथ साथ ये भी मेंशन होगा कि आप दो डोज ले चुके हैं। और इसके बाद कई तरह के एहतियात बरतने को लेकर के आपके पास मैसेजेस आएंगे, जिसमें टीकाकरण को लेकर प्रवेश द्वार और टीकाकरण स्थल पर जब आप जाएं तो कैसे आप मास्क पहने रखें, किन तरह की स्थितियों को अवॉइड करें, ये सारी की सारी जानकारी सबसे पहले आपके पास आएगी। लेकिन सबसे पहले खुद को कोविन ऐप पर जाकर रजिस्टर कराइए और रजिस्टर कराने के लिए सिर्फ आपको एक डॉक्यूमेंट देनी है, अपनी फोटो आईडी, और उसके बाद आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिस पर आप चाहते हैं कि जानकारी आए वो नंबर आपको देना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, और अगर ये जानकारी से भरा आपको लगा हो तो इसे आगे जरूर पहुंचाइए। मैं हर वीडियो के लिए नहीं कहता हूं कि इसे शेयर कीजिए, लेकिन इसको शेयर करना इसलिए बनता है क्योंकि लोगों तक ये जानकारी पहुंचनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ऐप पर रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, खासतौर पर हमारे देश में जहाँ पर थोड़ा सा डिजिटल और थोड़ा सा टेक्निकल आस्पेक्ट पे अभी भी रूरल इंडिया में लोग थोड़े से पीछे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।